आज हम आप लोगों को प्रयागराज के ढेर सारे पंडाल दिखाएंगे, क्योंकि हम घूमने निकले हैं और माता रानी के दर्शन करने निकले हैं। तो यहाँ पे जो जो थीम है, जो जो थीम पर पंडाल बने हैं, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो आप पूरे वीडियो को देखिए और जगह जगह माता रानी के दर्शन भी कीजिए। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट्स करना ना भूलिएगा कि आपको सबसे अच्छा पंडाल कहाँ का लगा और उस पंडाल में आपको क्या चीज़ पसंद आई। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जगह जगह के माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के भी दर्शन होंगे। तो इसलिए वीडियो स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखिए और माँ दुर्गा के दर्शन कीजिए। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप लोगों को प्रयागराज के एक से एक पंडाल के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे भी, क्योंकि पंडाल के मामले में प्रयागराज जो है बिल्कुल ही अलग है। और ये है अशोकनगर का पूजा पंडाल, जो कि तालिबान और अफगानिस्तान की वॉर की थीम पे बना हुआ है और बहुत खूबसूरत ही पंडाल है। इस समय शो भी चल रहा है, जैसे ही हम पहुंचे तो देखा शो चल रहा था। तो बिल्कुल वही चीजें दिखाई गई यहाँ पे, प्लेन वगैरह भी चल रहा है, सब कुछ मतलब बिल्कुल बम्पर भीड़ है। अशोकनगर में सबसे ज्यादा भीड़ मुझे दिखी सारे पंडालों में। गए पंडाल का जो स्ट्रक्चर है वो नारियल की छाल से बनाया है, उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह से इसको बनाया है। बहुत खूबसूरत बनाया है और बिल्कुल वॉर का थीम दिखाया है। तो काफी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है इस पंडाल में। इतनी भीड़ मुझे किसी पंडाल में नहीं दिखी। अब ये शो खत्म हो गया तो दुर्गा पूजा दर्शन के लिए खोल दिया गया है और सारे लोग अंदर जा रहे हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। जय माता दी। पंडाल भरने लगे, आगे बढ़ते जाइए, की पाइप भरने लगाइए। बहुत भीड़ है इस पंडाल में, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे जाएं, खुद भी दर्शन करें और आप लोगों को भी दर्शन कराएं माता रानी। आगे बढ़ते जा भैया, हम आ गए हैं दरभंगा बारबारी और यहाँ की आपको जो भी दुर्गा पूजा पंडाल है उसको दिखाते हैं और माता रानी के दर्शन कराते हैं। ये देखिए गाइस, हम जगत तारण में आए हैं माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए और इस समय यहाँ पे जो है कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना वो भी आप लोगों को दिखाया जाए। तो ये देखिए बहुत सुंदर प्रस्तुति है सब बच्चों के द्वारा, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम चल रहा है। माता रानी के दर्शन करिए और चलते हैं। अब हम आगे आपको लुकरगंज का पूजा पंडाल दिखाते हैं। ये देखिए हम आ गए हैं लुकरगंज के पूजा पंडाल में और यहाँ पे माता रानी के दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर। जय माता दी। और पता है यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इस बार मूर्ति जो है वो इसी पंडाल में बनी है, तो बहुत खूबसूरत मूर्ति है, बहुत ही सुंदर बनाया है।
गाइस देखिए ये है रामबाग का पूजा पंडाल और चले यहाँ भी माता रानी के दर्शन कराते हैं। तो आज हम निकले हुए हैं तो आपको प्रयागराज के ज्यादातर पंडालों में माँ दुर्गा के दर्शन कराएंगे। गाइस चलिए भी हम आपको प्रयागराज के एक और पंडाल के दर्शन करते हैं। ये है इंडिया गेट बनाया है और यहाँ के पंडाल के सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको माँ दुर्गा के दर्शन तो होंगे ही होंगे, साथ में आपको खाटू श्याम के भी दर्शन मिलेंगे। तो इस बार इन लोगों ने खाटू श्याम बाबा को जो है वो भी यहाँ पे मूर्ति लगाई है और बहुत सुंदर पंडाल, यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी होती है तो लाइटिंग भी देखने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं शाहगंज में देखिए क्या बना है अंदर, किस तरह का पंडाल बना है और यहाँ पे भी माता रानी के दर्शन कराते हैं। तो चलिए हमारे साथ शाहगंज में आपको माँ दुर्गा के दर्शन कराते हैं। ये जो पूरी गली है ना, गली भी बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से ये लोग डेकोरेट करते हैं तो बहुत अच्छा से, जबकि बिल्कुल पतली सी गली में जाकर के पंडाल बनता है। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं, अभी तो गली से ही जा रहे हैं और गली देखिए कितनी अच्छी डेकोरेट है, बहुत सुंदर है। ये गणपति जी भी रखे हुए हैं, जय हो गणपति बप्पा मोरिया। ये काली माता का मंदिर है। जब हम आगे जिस पंडाल में आप लोग को ले जा रहे हैं, ये देखिए ये हम आ गए हैं कर्नलगंज के बद्रीनाथ पंडाल में। यहाँ पे बद्रीनाथ बनाया है, थीम जो थी वो बद्रीनाथ धाम बनाया, बहुत सुंदर ये पंडाल बना हुआ है। और अब चलिए मंदिर चलते हैं और माता रानी के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। प्रयागराज में एक से बढ़ के एक पंडाल बनते हैं। माता रानी की जय, बोलो अम्बे मैया की जय। ये पूजा पंडाल जो है वो ऋषि भारद्वाज जी को समर्पित है, यानी उनके आश्रम के रूप में बनाया गया है, बहुत सुंदर पंडाल है। और यहाँ पे भी चलिए माता रानी के दर्शन कराते हैं। आज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम आपको यहाँ के प्रयागराज के जो सभी दुर्गा पंडाल है घुमाने का प्रयास कर रहे हैं और माता रानी के दर्शन करा रहे हैं। जय माता दी। चलिए अब हम चलते हैं बाइका बाग और बाइका बाग में कैसा पंडाल बनाया है वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं। ये देखिए हम पहुंच गए हैं बाइका बाग और बहुत सुंदर पंडाल बना हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं और माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं पंडाल में। गाइस हम ये नौमी के नेक्स्ट यानी हम दशहरे वाले दिन आए हैं तो थोड़ा सा भीड़ कम है यहाँ पे। एक्चुअली इस बार जो है दशहरे के दिन विसर्जन बहुत कम हुए हैं दुर्गा माँ के, तो दशहरे के नेक्स्ट विसर्जन होगा तो काफ़ी लोग अभी भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो बस हम भी आए हुए हैं क्योंकि नौमी वाले दिन हम बहुत सारे पंडाल गए थे लेकिन कुछ पंडाल मेरे छूट गए थे तो वो हमने कल दर्शन किया, यानी दशहरे के दिन दर्शन किया है। तो हमने कहा हम दर्शन करें तो आप लोग को भी दर्शन कराते हैं। तो गाइस मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा पंडाल और कहाँ का पंडाल सबसे अच्छा लगा। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे कि मेरी मेहनत जो है आप लोगों को पसंद आई। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर आप दुर्गा माँ के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय माता दी लिखिए और पूरी वीडियो को देखिए ताकि जगह जगह की दुर्गा माँ के दर्शन आप लोगों को हो सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय माता दी।